व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो। गाने का नाम है आई एम चिंकी बाय रैपर बिग डील। यार ये थोड़ा मेरे को कंट्रोवर्शियल लग रहा गाना, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाना मत भूलना, सीधा गाने पर रिएक्ट करते हैं। थोड़ा सीरियस लग रहा गाना यार, ये देखना पड़ेगा। मुझे कभी बोले चिकी और कभी बोले मोमो, आजकल बोले करो ना सोचिया ना मुझे हिंदी। अबे बुरे नजर वाले अपने आंखों को खोल के फिर सच को देख के खेत के आंसू में अपने पापों को धोले। है कुछ चूतिए जो ऐसी सीरियसली बकवास करते हैं कि मतलब नॉर्थ ईस्ट से आए लोगों को इसी तरीके बुलाते हैं। मतलब मेरे को बड़ा इरिटेशन होता है एंड लिटरली बहुत गुस्सा भी आता है यार। If I see a girl, then you won't know who to blame. I love Hindustan, mera pride aur meri jaan, but yeah. No one gives a damn about floods up in Assam. I know they're getting harder, zooming on girls are easy, and you'll never see this face in a movie or on your TV. There is generational racism in their DNA. People want the pain, they're screaming, "Hame jeene de." ये सोच कैसे बदलेगी जब शिक्षा में है खोट, ये जड़ से सड़ा हुआ सिस्टम का है दोष। I know that you know that I know that we know. I'm a chicky. मेरा चॉइस मेरा चेहरा लगे बुरा वो नहीं था मेरा चॉइस, रगों में बहता खून शरीर में रहता रू। यू भाई साहब, वो लड़का मोमोज खा के गया, वो बंदा आके उसको ऐसे ही बोल रहा है मोमो लगा दे। यार मतलब अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस से तुम कैसे जज कर सकते हो यार। और इतनी इतनी मतलब इतनी चुतियापा है ना इस चीज़ के अंदर, मतलब लिटरली गुस्सा आता है, लिटरली गुस्सा आता ही आता है यार। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, समझो यार। मतलब तुम सीधा नाम से क्यों नहीं बुला सकते किसी को? है कुछ ब्रह्मांड चूते दिमाग में ना, जिनके गोबर भरा हुआ है कि हाँ कुछ ज़्यादा कूल हो जाएंगे अगर किसी को बुरे वे में बुला लेंगे। इट्स नॉट अबाउट कॉलिंग एनीबडी चिंकी और मोमो, इट इज़ नॉट अबाउट दैट। वो नॉर्मल बंदे को भी इस तरीके से ही बुलाएंगे। ये वो चूतिए होते हैं जो अपने बाप को भी बहन जो बूढ़ा बूढ़ा करते हैं, समझ में आया? तो मतलब जो लिटरली वो किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। Well, me, I am you, बस वही है मेरा choice. Look, I'm tired of this game, always looking for who to blame. Maybe we can be the change, even if we do not look the same. छोटी आँख, छोटा नाक, और ये सारे छोटे बात को मिटा के आज मिलाते हम दोनों के बड़े heart. Respecting every girl in the world that should come easy. And I guess I'm gonna look devastatingly good on TV. Yeah. Replace the hate with unity in our DNA. बोझ हटेगी सीने से आखिर में एक साथ जीएंगे. Seven sisters and a bro, but ये मत भूलो कि there are 29 more. भारत परिवार 134 crores. I know that you know. That I know that we know mama for a change. Nice. Let this world empower us and be a reminder instead of demean us. Hey. Chicky, 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 chicky. My identity's in question. Nice.
ये मैंने देखी है चीज़, एक्चुअली देखी है, और कई बार तो लड़े भी हम इस चीज़ के लिए। मुंबई में थे यार, मतलब मैं वहाँ पे जब मैं एज अ टेनेंट गया ना, मतलब मैंने वहाँ पे बहुत बकरचंदी देखी कई चीज़ों को लेके। दिस इज़ नॉट द ओनली इशू, मैं तुम्हें बताता हूँ। आई यूज़ टू बी उस टाइम ना, आई यूज़ टू बी क्लीन शेव, तो मेरी ना जो बियर्ड है यहाँ पे मूछें थोड़ी कम आती थी मुझे। तो क्या हुआ कि मैं एक जगह पे रेंट पे फ्लैट लेने गया, एंड दैट गर्ल कॉल्स अप, द गर्ल जो वहाँ पे थी, मतलब जो ब्रोकर थी, फ्लैट दिखाने लेके गई, एंड शी लुक्ड एट मी लाइक दिस। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, कहती व्हाट्स योर नेम, आई सेड राहुल, व्हाट्स योर फुल नेम, आई सेड राहुल गुप्ता। मैंने कहा वो कहती ओके ओके ओके। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, कहती नहीं यू लुक मुस्लिम। मैंने कहा ये कहाँ से आया, मतलब मूछे कम है तो मैं मुस्लिम हो गया, ऐसे नहीं होता भाई। तो मैंने कहा अगर हूँ भी तो, कहते नो वी डोंट अलाउ मुस्लिम्स इन आर सोसाइटी। व्हाट द फक ब्रो, मतलब इतनी इतनी बकरचंदी है ना यहाँ पे, मैंने ये चीज़ देखी। उसके बाद लिटरली आई हैव मेड वन ऑफ वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन इज तलहा फ्रॉम जम्मू, इज ऑल्सो मुस्लिम, आई लिटरली लव देम। अगर तुम बात करो निर्भीत, मेरा दोस्त है वहाँ से, क्या कहते हैं, आसाम से, मतलब लिटरली यार तुम्हें मैं बता सकता हूँ, आई मेड वेरी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ओनली, मतलब कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं है, ना आसाम ना जम्मू, कोलकाता से भी मेरा फ्रेंड है, मतलब गुजरात से, केरला से भी इवन हमारे फ्रेंड्स हैं, इवन रिलेटिव्स भी हैं केरला में। तो मतलब वही चीज़ है, हम हर एरिया को रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर पाते, मुझे ये नहीं समझ में आता क्या दिक्कत है, क्यों बहनचो किसी को डिसरिस्पेक्ट करके तुम्हें सुकून मिलता है। मेरे को ऐसे छूते से ना बड़ा गुस्सा आता है। एक बार की बात है, मैं शायद एक बार अपनी एक वीडियो में किस्सा बताया भी था, पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, वो किस्सा ना मैंने आधा बताया। वर्सोवा में ना क्या कहते हैं, एक लेन में काफ़ी ज़्यादा स्पास हैं, ठीक है, और वो स्पा ख़त्म होते ही वर्सोवा बीच शुरू हो जाती है। तो मैं वहाँ बैठा था, मुंबई की बात कर रहा हूँ, तो आई वॉज हैविंग अ सैंडविच, सर्टेनली अ गर्ल पास बाय, एंड वहाँ पे तीन चार लौंडे खड़े थे। वो मतलब इतनी मतलब वाहियात बात है ना, अपने मुँह से तो निकले भी ना भी किसी लड़की को हम ऐसे बोल सकें। सीरियसली वो लड़की क्रॉस कर रही है, एंड लिटरली वो उन्होंने मतलब जो वाहियात बात करी वॉज रिलेटेड टू मसाज एंड ऑल, आई नो, मतलब ऐसी बकरचंदी करी, मेरे को आया गुस्सा। मैं और मेरे फ्रेंड ने लिटरली वहाँ पे ना मतलब जो सूते हैं वो हमें पता है, को बीच में भी न्याय बचाने ऐसे लोगों को। तो ऐसे लोग जब पिटते हैं ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे लोग जब पिटते हैं तो को बचाने भी नहीं आता। तो वो लोग जो हरकतें करते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं ना, कहा कि सुधर जाओ, कुछ नहीं रह जाना तुम्हारे पल्ले जब उल्टी पड़ने लगी, समझ रहे हो। बाकी यार ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर दबाइएगा, हम एक बार के लिए गाना ज़रूर चेक करेंगे, ठीक है, क्रेडिट ज़रूर चेक करेंगे, अच्छा बनाया गाना अगर मैं गाने के तौर पे देखूँ, कॉम्पोजिशन वॉज वेरी गुड, म्यूज़िक लिरिक्स एंड मिक्स किया है रैपर बिग डील ने, ओके, एडिशनल लिरिक्स बाय जीनी ऑफिशियल, ओके, मास्टर की यह है मैट असलानियन ने, ओके। यार मैं नाम वगैरह गलत ले दूंगा, एक काम करता हूँ, मैं लिंक डाल दूंगा गाने का, आप एक तो जाके ओरिजिनल गाना सुनो और ऊपर से क्रेडिट्स वगैरह भी पढ़ना, बहुत बढ़िया काम किया। इस तरीके के मैसेज गिविंग सॉन्ग्स आने चाहिए, एंड लिटरली सच सिंगर्स नीड सपोर्ट एंड सच सॉन्ग्स नीड्स टू गो वायरल। देखो सिर्फ 7 लाख व्यूज़ है, तुम लोगों को शेयर करना चाहिए, जाके ऐसी चीज़ें शेयर करो ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, समझ रहे हो। अगर हम ही शेयर नहीं करेंगे, लोगों तक चीज़ ही नहीं पहुँचेगी, तो इतने बड़े बढ़िया कॉज के लिए गाने का उसका फ़ायदा क्या होगा। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, सपोर्ट ईच अदर, सपोर्ट द आर्टिस्ट, इस तरीके का हिडन टैलेंट बहुत आगे जा सकता है। विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइस, जय हिंद, मिलता हूँ।